अभी इस वीडियो में हम अपना स्क्वायर रूट ऑफ 5000 बाय लॉन्ग डिविजन मेथड कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वास्तव में यदि ध्यान से देखें तो ये आपका कितना 4 डिजिट नंबर है, तो आप ऐसे समझें कि 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर हमने 2 जीरो को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े 2 जीरो को साथ, सॉरी गलत बोल गए, 2 डिजिट को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया, ओके कितना आ गया 50। इस 50 के आधार पे हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है ये आपका इस 50 से कम रहना चाहिए। 7 × 7 क्या 49 आ रहा है, जो 50 से कम है। आगे 8 × 8 किया कितना आ रहा है 64, जो 50 से बड़ा है। जहाँ बड़ा आ जाता है वहाँ रुक जाना है, इससे पहले वाली संख्या को लेना। और ये संख्या हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक की रेंज में लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना 7 × 7 लिया, इनका गुणा यहाँ लिख दिया, इस संख्या को एक बार यहाँ ऊपर लिखा जाता है, फिर इनको जोड़ा जाता है, इसको घटाया जाता है, और अगले जो 00 है उनको यहाँ ले आते हैं। दोबारा समझिए एक बार समरी में, संख्या लेना है, उसको ऐसे व्यवस्थित करना है, इसका गुणा यहाँ लिखना है, एक बार इसको यहाँ लिखना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इनको जोड़ना है, इसको घटाना है, 50 − 49 कितना 1 आ गया। घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ अगले 2 डिजिट जिनको हमने अंडरलाइन कर रखा है, ओके उनको यहाँ ले आएंगे। यहाँ कितना है 00, तो 00 यहाँ आ गया आपका। अब देखिए हम, हमारे पास ये कितना बना है 14, इसके साथ जैसे 1 लिया और 1 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 141, जो आपका देखिए यहाँ पे 100 से बड़ा है। तो बड़ा तो हम ले नहीं सकते, यदि 1 को लेने से बड़ा आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में किसको लिया जाता है, 0 को लिया जाता है। और इनका मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, एक बार इसको यहाँ लिख दिया, फिर माइनस किया और इसको प्लस किया। आगे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.00 आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, 2 0 अंडरलाइन कर दो, इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले 00 यहाँ ले आते हैं। अब देखिए इसके साथ 8 लेते हैं, 8 का गुणा करें, इससे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने 7 लिया, 7 का गुणा किया तो 49 और आपका देखिए 9849 आ गया, ये आपका कितना है 10,000 है, यानी बिल्कुल इसके नज़दीक पहुंच गया, यानी इससे क्या आ गया हमारा कम आया, जस्ट कम आया, ज़्यादा कम नहीं है। इससे एक बड़ी संख्या लेते हैं इससे क्या आ जाएगा, बड़ा वैल्यू आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ जैसे हम 8 लेते हैं, 8 का गुणा करते हैं, जो वैल्यू आएगा वो आपका बड़ा आएगा, ठीक है। हमने किसको लिया 7 को, फिर हम माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये जो हमारा वैल्यू निकला है ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5000 है। तो इस तरीके से हम अपना स्क्वायर रूट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।